ऑटो खरीदने के लिए जा रहे दो भाइयों पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। उनके साथ जमकर मारपीट की और उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। क्षेत्रीय पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। 12 तारीख के मुकदमे में 17 तारीख को मेडिकल कराया गया। अब पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है। पूरा मामला थाने से जुड़ा है। उसको हम खरीद रहे थे, इसको चला के चेक कर ले, तो गाड़ी सही लगे तो ले लेंगे इसको। तो इसने चला के चेक की तो शाम को मैं उसको भाई ने पैसे दिए थे मेरे को, सोन भैया ना बड़े भाई ना, तो पैसे दिए थे मेरे को 20,000 रुपये, उसको दिया 40,000 में तय हुई थी गाड़ी। तो हमने कहा 20,000 दो चार दिन में दे देंगे, तो मैं 20,000 रुपये ले लो। उन्होंने ठीक है, तो मैं शाम को पैसे देने आ रहा था उनको, तो ऐसे करीबन 11 बजे की बात थी, वहाँ पर हमारे साथ मारपीट की, ऑटो का शीशा फोड़ दिया उनका, वो ईट वगैरह वाली और हमारे हाथ वगैरह ईट वगैरह हमारे सब। कितने पैसे लूट लिए? 20,000 लूट लिए थे। बड़े भाई से पैसे लेके गए थे 20,000 रुपये। हमने गाड़ी वाले से बोला, वो 40,000 रुपये मांग रहा था, मैंने 20,000 अभी ले लो और 20,000 तो मैं दो चार दिन में करा दूंगा। अब हम यहाँ से लग रहे हैं, रात में बर्फ छूट गई जो टेढ़ी बगिया वाला रोड पे, वहाँ 11 बजे 5-6 लड़कों ने हमें घेर लिया। एक का नाम तो गौरव था और एक कोई राहुल चोवा चोवा बोल रहा था, मार इसको मार, मतलब उनने अद्धा भिखाई कर दी डायरेक्ट। आगे से जो शीशा भीसा जो हमारा टम्पू खत्म हो गया और पैसे निकाल लेगी 20,000 रुपये देने से जो हम देने आते थे। जब से मेडिकल नहीं हुआ, पुलिस वाले कागज नहीं दे रहे थे हमको मेडिकल का, वो ये बोल रहे थे कि ये 20,000 की धारा हटाओ, इसमें से मारपीट की धारा निकलवा दो, उसकी उस धारा में वही लगेगी 51,115 जमा तो है। हमारे जो पैसे छिड़े हैं हम वही तो लगवाएंगे, गलत लगवा देंगे। जुड़े रहिए आप पब्लिक वाइब के साथ।